नमस्ते। इजराइल हमास जंग में धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेल रहे ईरान की तमाम करतूत का पर्दाफाश हो गया है, जिसके बाद मुस्लिम देश तैमन झाड़कर चेक कर रहे हैं कि कहीं इधर उधर कोई ईरानी पिस्सू तो नहीं चिपका है, जो सिया देश अरब देशों को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ भिड़ाकर उनकी ठुकाई का प्लान तैयार कर रहा था, अब अचानक से उसके सुर बदल गए हैं। यही नहीं, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई ने हमास को भी चेतावनी जारी कर दी है। ईरान के इस बदले रुख के बाद जहां खाड़ी देशों ने रात की सांस ली, वहीं ईरान की साजिश का पूरा माजरा भी उनकी समझ में आ गया है। दरअसल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद ईरानी नेताओं ने जमकर जश्न मनाया था। आयतुल्ला खामनेई जैसे नेता ने तो हमास की तसरीफ तक चाटने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन जब इजराइल ने गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत की तो ईरान ने इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकियां देनी शुरू कर दी। यही नहीं, ईरान ऐसे भड़काऊ बयान देने लग गया ताकि अरब देश एकजुट होकर इजराइल के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई कर दे, परंतु अरब देश शाने निकले और ईरान की उकसावे वाली क्रियाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पर ईरान की मुल्लाई बकलोली ने अमेरिका का पारा इतना गर्म कर दिया कि अब वह एक्शन में आ चुका है और उसके युद्ध पोतों ने उसकी घेराबंदी सख्त कर दी है, जिसके बाद तेहरान में हड़कंप मचा हुआ है। इधर इजराइल गाजा का सर्वनाश करने में जुटा है तो उधर हमास के युद्ध में लगातार तैमद उछाल रहे ईरान की नकेल कसने के लिए अमेरिका ने महाविनाशक युद्ध पोतों का पूरा बेड़ा ओमान की खाड़ी में तैनात कर दिया है। बताया जा रहा है कि दर्जनों फाइटर जेट से लैस यूएसएस आइजन होवर एयरक्राफ्ट कैरियर और कई अन्य युद्ध पोतों के बेड़े को अमेरिका ने ईरान की सीमा से मात्र 300 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया है। अमेरिका के युद्ध पोत को देख अब आयतुल्ला खामनेई के सुर बदल गए हैं। गौरतलब है कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 4 नवंबर को स्वेज नहर के रास्ते फारस की खाड़ी के लिए रवाना हुआ था। इस दौरान यह भूमध्य सागर में इजराइल के पास तैनात यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड स्ट्राइक ग्रुप के ट्रेनिंग में भी शामिल हुआ था। अब यह एयरक्राफ्ट कैरियर इस सप्ताह अरब सागर में पहुंच गया है। अमरीकी नौसेना ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर की तस्वीर भी जारी की है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ बड़ी संख्या में फाइटर जेट, 2 मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 1 मिसाइल क्रूजर और 1 अत्याधुनिक सबमरीन भी ईरान की सीमा के पास तैनात है। ये सभी अमरीकी युद्ध पोत हजारों की तादाद में क्रूज मिसाइलों से लैस है। इनकी मदद से अमरीका ईरान के पूर्वी और मध्य इलाके में कहीं भी हमला करने की ताकत रखता है। इसके अलावा अमरीका के पास कई बमबरशक विमान और एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिन्हें उसने रणनीतिक रूप से अहम ईरान के पास तैनात किया है। बताया जा रहा है कि यूएस फोर्ड को अमेरिका ने साइप्रस के पास तैनात किया है। इसी तरह यूएसएस बतान को लाल सागर और B-1 बॉम्बर को तुर्की में तैनात किया गया है। अमेरिका ने यह तैनाती ऐसे समय की है जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने हमास के आतंकी इस्माइल हानिया को 7 अक्टूबर के हमले के लिए सख्त संदेश दिया है। असल में अमेरिका के एक्शन में आने के बाद आयतुल्ला समेत ईरान के सभी मुल्लाओं के तैमंद सूसू में भीग गए हैं। तेहरान को डर सता रहा है कि अगर उसने दोबारा बकलोली की तो पिछवाड़े पर अमरीकी गोली धस सकती है। यही कारण है कि आयतुल्ला ने तसरीफ समेट कर भागने में ही भलाई समझी है। आयतुल्ला ने मोटे लठ को देकर हमास को ही लताड़ लगाई है कि उसने 7 अक्टूबर के हमले के लिए ईरान को कोई चेतावनी नहीं दी और अब हमास के नाम पर ईरान युद्ध में कूदने नहीं जा रहा है। उनका देश अब इस युद्ध में सीधा हस्तक्षेप भी नहीं करेगा। यही नहीं, धूर्त मुल्ला आयतुल्ला ने यह भी कहा कि हिजबुल्ला को इस युद्ध में न घसीटा जाए। असल में ईरान इसलिए भी घबरा गया है कि जिस हिजबुल्ला और हूती को उसने अरब देशों के लिए पोषित किया था, अमेरिका और इजराइल उन्हें नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। अरब देश अमेरिका से ऐसा चाहते भी हैं। अगर हिजबुल्ला और हूती इस जंग के लपेटे में आ गए तो ईरान लगभग तबाह हो जाएगा। इन संगठनों को तैयार करने और फिर उनके द्वारा लेबनान एवं यमन में अपना प्रभाव जमाने के पीछे ईरान की सालों की कड़ी मेहनत है। ऐसे में आयतुल्ला हमास के युद्ध से पीछा छुड़ाकर अब नया तैमंद पहन लेना चाहते हैं। पर सवाल यह भी है कि कहीं ईरान ने इसमें देर तो नहीं कर दी है, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई ने इजराइल की मदद इसी शर्त पर की है कि वह हूती और हिजबुल्ला को भी हमेशा के लिए खत्म करेगा। यानी अमरीकी युद्धपोत ईरान को खामोश करने और हिजबुल्ला हूतियों का सफाई में मदद करने के लिए तो नहीं आए हैं। यूं भी इन दोनों ही संगठनों को अमरीका ने आतंकी घोषित किया हुआ है।
इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।